मेरे लाइव स्ट्रीम पे अगर कोई भी व्यूअर आके चैट में लिखता है एक्सक्लेमेशन पंच, तो लाइव स्ट्रीम पे कुछ ऐसा दिखाई देता है। प्लीज एक्सक्यूज मी। ये सबसे ज्यादा दर्द होता है मुझे, इससे सबसे ज्यादा दर्द होता है। और अगर चैट में कोई लिखता है एक्सक्लेमेशन एक्सप्लोजन, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। और अगर चैट में कोई लिखता है एक्सक्लेमेशन लाफ, तो कुछ ऐसा साउंड इफेक्ट प्ले होता है कि आज मैं अब ऐसे ये सारे इफेक्ट मेरे गेम प्ले सीन में भी दिखाई देते हैं। अगर मैं गेम खेल रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम की चैट में मेरे कोई लिखता है ये सब कमांड्स, तो ये गेम प्ले सीन में भी दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से। अब व्यूअर्स ऐसे ही नहीं ये सारे कूल इफेक्ट्स को मेरे लाइव स्ट्रीम पे प्ले कर सकते हैं या फिर मेरे लाइव स्ट्रीम पे दिखा सकते हैं। उनको ये सारी चीजें को, ये कमांड्स को रन करने के लिए पॉइंट्स को यूज करना पड़ता है। जो पॉइंट्स उनको मिलते हैं मेरे लाइव स्ट्रीम पे मेरे चैट में एक्टिव रहने से, वो जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे मेरी चैट में, मेरे लाइव स्ट्रीम की चैट में, उतना ही ज्यादा उनको पॉइंट्स जो है वो मिलते रहेगा हर मिनट में, और उतने ही पॉइंट्स को वो लोग यूज कर सकते हैं ऐसे सारे कूल इफेक्ट्स को लाइव स्ट्रीम पे प्ले करने के लिए, मेरे लाइव स्ट्रीम पे प्ले करने के लिए। तो इससे व्यूअर्स को भी मजा आता है लाइव स्ट्रीम पे रुकने में, और लाइव स्ट्रीम भी आपकी जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि ये पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम आप लोग कैसे अपने लाइव स्ट्रीम के लिए सेटअप कर सकते हो, कैसे आपके व्यूअर्स को पॉइंट्स मिलेंगे आपकी लाइव स्ट्रीम पे रुकने के लिए, आपकी लाइव स्ट्रीम को कंटिन्यूअस देखने के लिए, और आपकी लाइव चैट में एक्टिव रहने के लिए, और कैसे वो लोग भी आपकी लाइव स्ट्रीम पे ऐसे कूल इफेक्ट्स जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो चलो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताता हूं कि आपको ये सारी चीजें कैसे करना है। अब देखो, ये चीज करने के लिए, ये पॉइंट रिवॉर्ड सिस्टम को हम लोग यूज करने के लिए, सेटअप करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं स्ट्रीमर बॉट को। अगर आपको स्ट्रीमर बॉट के बारे में नहीं पता है स्ट्रीमर बॉट क्या है, तो मैं ऑलरेडी इस पे दो वीडियो बना चुका हूं, यहां पे आप लोगों को दिखाई देगी वो दोनों वीडियो। तो यहां पे जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने सारा बेसिक चीजें बताया है स्ट्रीमर बॉट के बारे में, स्ट्रीमर बॉट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आप लोग स्ट्रीमर बॉट से क्या क्या कर सकते हो, कैसे उसको सेटअप करना है, कैसे उसको कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। और सेकंड वीडियो में मैंने बताया कि आप लोग कैसे अपने OBS स्टूडियो को अपने मोबाइल फोन से ही कंट्रोल कर सकते हो स्ट्रीमर बॉट की मदद से। मोबाइल फोन में आपको कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, मोबाइल फोन में आप कोई भी वेब ब्राउजर को यूज करके आप लोग कहीं से भी अपने OBS स्टूडियो को, अपनी लाइव स्ट्रीम को कंट्रोल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। तो सेकंड वीडियो वो भी आप लोग देख सकते हो, ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये दोनों वीडियो को भी आप लोग देख लेना, उसके बाद में आपको काफी ज्यादा चीजें जो है स्ट्रीमर बॉट के बारे में पता चल जाएगी। तो चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो, ये काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में जाना है ये वेबसाइट पे, स्ट्रीमर डॉट बॉट की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और स्ट्रीमर बॉट की एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, और मैं आपको दिखा देता हूँ वो जिप फाइल आपको कैसी दिखाई देगी। तो ऐसी जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ये जिप फाइल को आपको यहाँ पे, जिप फाइल के अंदर ये सारी ऐसी इतनी सारी फाइल्स रहेगी, तो इनको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जिप फाइल को कोई भी फोल्डर में। तो यहाँ पे मैंने ये फोल्डर में स्ट्रीमर बॉट नाम से एक फोल्डर बना लिया डेस्कटॉप पे, और इसमें मैंने सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अब यहाँ पे इन्हीं फाइल्स में एक आपको यहाँ पे दिखेगा स्ट्रीमर डॉट बॉट का यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल, इसके ऊपर आप लोग जैसे डबल क्लिक करोगे तो ये हमारा स्ट्रीमर बॉट जो है वो ऑन हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे लोड हो रहा है तो इसको हम लोग ओपन होने देते हैं। तो जैसे ही आपका स्ट्रीमर बॉट ओपन हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी ये स्ट्रीमर बॉट को अपने OBS स्टूडियो से कनेक्ट करना है। वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना OBS स्टूडियो ओपन करना है, और OBS स्टूडियो में आप लोग को जाना है ऊपर टूल्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा वेब सॉकेट सर्वर सेटिंग्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है आपके OBS स्टूडियो में, तो आपको अपना OBS स्टूडियो को अपडेट करना है जो भी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो अपडेट कर लोगे तो ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ये जो ऑप्शन है सबसे पहला इनेबल वेब सॉकेट सर्वर वाला, इसको आपको टिक कर देना है, ये टिक रहना चाहिए, इनेबल रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप लोगों को ये इनेबल ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑप्शन है इसको अनटिक कर देना, अगर ये आपका टिक है ऐसे तो इसको अनटिक कर दो, यहाँ से टिक को हटा दो। उसके बाद यहाँ पे शो कनेक्ट इन्फो का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको आपकी IP दिखाई देगी, यहाँ पे लोकल सर्वर IP, और यहाँ पे आपको आपका पोर्ट दिखाई देगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्वर IP जो है यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, और पोर्ट आप देख लो यहाँ पे 4455 है, ठीक है। इतना आपने कॉपी कर लिया यहाँ पे सर्वर IP और पोर्ट को यहाँ पे देख लिया। उसके बाद इन टैब को क्लोज कर दो, यहाँ पे मैं OBS स्टूडियो को भी मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने स्ट्रीमर बॉट वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आपको जाना है, स्ट्रीम ऐप वाला एक ऑप्शन है,
ये टैब में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे OBS सिलेक्टेड रहना चाहिए, OBS वाला ऑप्शन, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कुछ भी नेम दे देना है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग OBS ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं OBS लिख देता हूँ और वर्जन में यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे वर्जन 5.x वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लूंगा। होस्ट में यहाँ पे मैं अपनी वो सर्वर IP जो हमने कॉपी किया है उसी को यहाँ पे पेस्ट करूंगा, जो हमने OBS से कॉपी किया, तो वही IP को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और पोर्ट हमारा 4455 ही था तो उसको वैसे ही रहने देंगे। पासवर्ड में कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे वो जो ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन है उसको हमने डिसेबल करके रखा है, वहाँ पे अनटिक कर दिया उसको हमने, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन को हमको टिक कर देना है, ऑटो कनेक्ट ऑन स्टार्टअप और रीकनेक्ट ऑन डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन को अनटिक, यहाँ पे टिक कर देना है, अनटिक बोल दिया सॉरी, टिक कर देना है आपको, ठीक है। रिट्रा इंटरवल को आप 5 सेकंड पे सेट कर दो और उसके बाद में सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे ये आपको दिखाई देगा OBS का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है एक बार क्लिक करके और राइट क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो ये स्ट्रीमर बॉट है वो आपके OBS स्टूडियो से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको कनेक्ट होने का वेट कर लेते हैं। यहाँ पे कनेक्टिंग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फिर से डिसकनेक्ट हो गया। तो एक बार हम लोग OBS स्टूडियो में चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ किया है यहाँ पे सेटिंग में। तो यहाँ पे हम लोग टूल्स में जाते हैं, वेब सॉकेट सर्वर सेटिंग में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अनटिक है, तो यहाँ पे इसको टिक करना है। एक्चुअली हमने अप्लाई नहीं किया था वो सारी सेटिंग्स को यहाँ पे ये करके, तो यहाँ पे आपको याद से अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई कर दिया आप लोगों ने, ओके कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो ये स्ट्रीमर बॉट है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे OBS स्टूडियो से। तो जैसे आपने अपने स्ट्रीमर बॉट को अपने OBS स्टूडियो से कनेक्ट कर लिया, उसके बाद में सेकंड जो काम आपको करना है वो ये है कि अपना जो जो भी आप YouTube चैनल पे लाइव स्ट्रीम करते हो वो YouTube चैनल को आपको कनेक्ट करना है अपने स्ट्रीमर बॉट से, सो दैट वो सारे कमांड्स जो है वो रन करें आपके स्ट्रीमर बॉट में। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ट्विच पे रहेगा बाय डिफॉल्ट, आपको इसको यूट्यूब पे सिलेक्ट करना है। यूट्यूब पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बोलेगा आई एग्री करने के लिए, तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इवेंट्स मेंबरशिप ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लास्ट में अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहां पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके लॉग इन कर लेना है अपने उसी यूट्यूब चैनल से जिस पे आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरा ब्राउजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं लॉग इन कर लूंगा अपने उस YouTube अकाउंट से जिसपे भी मैं लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं अपने इस YouTube चैनल से यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, इस पर मैं आपको लाइव स्ट्रीम भी करके दिखा दूंगा इस स्ट्रीम के एंड में कि सारी चीज़ वर्क कर रही है या नहीं प्रॉपरली। तो यहाँ पे मैंने सारे ऑप्शंस को टिक कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे बताएगा लॉग इन सक्सेसफुली। अब हम लोग इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका काम जो है वो हो चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा यूजर नेम जो है चैनल का वो दिखाने लग गया अभिषेक मिश्रा और यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन है, इसको आप लोग टिक कर दो सो दैट वो अगर कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो अपने आप ही कनेक्ट कर ले आपके यूट्यूब चैनल को। अब इतना काम आप लोगों ने कर लिया, अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे। वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपको यहाँ पे एक्शन टैब में जो है कुछ एक्शन को इंपोर्ट करना है। वो कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट को। ये डॉक्यूमेंट की वो लिंक रहेगी, ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया और ये पॉइंट्स रिवॉर्ड सिस्टम किसने इसको पूरा किसने इसमें दिमाग लगाया, वो पूरा दिमाग जो लगाया है वो हॉन्टर ने लगाया है, उसका एक यूट्यूब चैनल और ये डॉक्यूमेंट भी उसी ने बनाया। यहां पे आप लोग देख सकते हो हॉन्टर ये नाम से चैनल है, उसकी भी लिंक मैं उसके चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी इंसान ने ये सारा चीज किया हुआ है और मैंने उसी के चैनल पे देखा और उसके बाद में मैं अब यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को मैंने कैसे अपने लाइव स्ट्रीम पे सेटअप किया वो मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरा क्रेडिट जो है वो उसी बंदे को जाता है। आप लोग भी उसके चैनल पे जाके चेक कर सकते हो उसके चैनल को और वहाँ पे उसको भी सपोर्ट दिखा सकते हो, जाके थोड़ा कमेंट वमेंट कर सकते हो, फ्रॉम एक्सपोजर जो भी आपको करना है, नहीं करना है मत करो, बट बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो डॉक्यूमेंट को आपको ओपन करना है डाउनलोड करके और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आप लोग जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एंड में आपको दिखाई देगा हियर इज द टेक्स्ट टू इंपोर्ट द स्ट्रीमर इंपोर्ट टू स्ट्रीमर बॉट। ये रेड लाइन के नीचे ये जो कोड जहां से शुरू हो रहा है इस पूरे कोड को आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे पूरा एंड तक कॉपी करना है, एक भी लेटर छूटना नहीं चाहिए इस कोड का। तो यहाँ पे नीचे जहां तक भी ये कोड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहां तक ये कोड है, तो पूरा सिलेक्ट करना है, पूरे कोड को यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको कॉपी कर लेना है, एक भी लेटर छूटना नहीं चाहिए, ध्यान दो, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लिया, उसके बाद में इसको लाके यहाँ पे आपको स्ट्रीमर बॉट में इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, वहां पे आपको क्लिक करना है। इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे इंपोर्ट स्ट्रिंग का एक बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और यहाँ पे उसके बाद राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है पूरा जो भी कोड आपने वहां से कॉपी किया। जैसे आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे जो एक्शन है वो क्रिएट यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे कमांड्स भी जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो ये सारी चीजों को करने के बाद में, ये अपने पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद में, आपको सिंपली इंपोर्ट बटन पे
याद से क्लिक कर देना, जैसे आप लोग इंपोर्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आप लोग देखोगे यहाँ पे पूरा पॉइंट सिस्टम का सारे जो कमांड्स है वो आ चुके हैं, मतलब सारे जो एक्शंस है वो आ चुके हैं, और यहाँ पे कमांड सेक्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो कमांड्स भी आ चुके हैं। अब जैसे आपने ये एक्शंस को इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद में आपको अपने पीसी में किसी भी ड्राइव में कहीं पे भी आपको कुछ फोल्डर बनाने हैं और एक टेक्स्ट फाइल बनाना है। तो क्या नाम से फोल्डर बनाना है और क्या नाम से टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग फोल्डर बनाएंगे, हम लोग तीन फोल्डर बनाएंगे, एक को हम लोग नाम देंगे पॉइंट आईडीज, एक को नाम देंगे पॉइंट नेम्स, और एक को नाम देंगे यूजर हु चैटेड। सेम ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी पूरा के पूरा ऐसे ऐड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से लेके कॉपी कर सकते हो, उसको देख के अच्छे से फोल्डर वगैरह बना सकते हो। ठीक है, फोल्डर का नाम वैसे आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन मैं यही नाम से फोल्डर बनाया मैंने, तो मैं वही आपको बता रहा हूं। तो मैं पॉइंट आईडीज नाम से मैं इसको पॉइंट आईडी को कॉपी कर लेता हूं, उसके बाद में कोई भी ड्राइव में, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं यहां पे, और यहां पे मैं एक फोल्डर बना देता हूं, डेस्कटॉप पे बना देता हूं। ठीक है, एक न्यू फोल्डर बना देता हूं, और उस न्यू फोल्डर को मैं यहां पे नाम दे देता हूं पॉइंट्स सिस्टम। ठीक है, पॉइंट्स SYSTEM। ठीक है, पॉइंट सिस्टम नाम से एक यहाँ पे फोल्डर बना दिया मैंने। ऐसे आप लोग कोई भी नाम से फोल्डर बना सकते हो, उस फोल्डर को यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर आप लोग सारे फोल्डर्स को बना लो। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, उस फोल्डर को एक नया फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे। इस नया फोल्डर को मैं नाम दे दूंगा पॉइंट आईडीज जो मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, ये एक फोल्डर बन गया। उसके बाद में एक और नया फोल्डर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे न्यू पे ले जाके एक नया फोल्डर बनाएंगे, इसको हम लोग नाम दे देंगे पॉइंट नेम्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पॉइंट नेम्स को ऐसे के ऐसे, और यहाँ पे इस न्यू फोल्डर पे इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट नेम्स कर देता हूँ, और एक और फोल्डर बनाएंगे हम लोग यहाँ पे यूजर्स हु चैटेड नाम से। ठीक है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बनाता हूँ, एक न्यू फोल्डर, इसको भी मैं नाम देता हूँ यूजर्स हु चैटेड नाम से। ठीक है, तीन फोल्डर बना लिया। अब यूजर्स हु चैटेड नाम से जो फोल्डर आप बनाओगे उसको आपको ओपन करना है, और उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल आपको क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे न्यू पे लेके जाऊंगा कर्सर, और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और इसका नाम जो है उसको वही नाम देना है यूजर हु चैटेड, और यहाँ पे आपको लास्ट में डॉट टेक्स्ट तो वो अपने आप ही ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बाहर क्लिक कर दो, तो वो एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजर हु चैटेड नाम से आपका जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो बन जाएगा। ठीक है, अब इतना काम आप लोगों ने कर लिया। अब उसके बाद में हम लोग इस फोल्डर को अभी के लिए मिनिमाइज कर देते हैं, और इसका अब ये नोटपैड का काम हो गया, इसको हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में आपको वापस से अपना स्ट्रीमर बॉट ओपन करना है, और यहाँ पे जो ये एक्शंस है ये सारे एक्शंस को अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज करना है। जैसे यहाँ पे पहला एक्शन जो है फर्स्ट वर्ड गिव पॉइंट्स टू फॉर न्यू चैटर, तो यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके सब एक्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्शन है इसमें बताया गया है कि जब पहला वर्ड, जब कोई भी नया बंदा आपकी लाइव स्ट्रीम पे आएगा और पहला वर्ड आपकी लाइव स्ट्रीम के चैट में लिखेगा तो उसको कितने पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करो, यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो पहली लाइन है यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे 200 पॉइंट्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 400 दिखाई देगा आपको, तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जितने पॉइंट्स आपको देना चाहते हो आप उतना। तो यहाँ पे मैंने 200 ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 200 ऐड कर दिया। आप लोग वैल्यू में 200 लिख दो, और उसके बाद में यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर दो। इतना काम आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद में ऐसे ही आप लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखोगे तो फर्स्ट वर्ड गिव पॉइंट्स फॉर रिटर्निंग चैटर, जब कोई पहले भी आया है आपकी लाइव स्ट्रीम पे, जो व्यूअर कल भी आया था आज भी आया है, और वो जब अपना फर्स्ट वर्ड लिखेगा आपकी नई लाइव स्ट्रीम पे तो उसको कितने पॉइंट्स मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग 200 पॉइंट्स नहीं देंगे, उसको हम लोग कम पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे आप लोग डबल क्लिक कर सकते हो सेट आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऐड पे, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आपको, जितने भी पॉइंट्स उसको देना है वो उतना आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है 50 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे वैल्यू में ऐड करके रखा है, और ओके पे क्लिक कर दो। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पे सारे कमांड्स को अपने हिसाब से, कितने पॉइंट्स देना है, क्या कब कितने पॉइंट्स देना है, वो सारी चीज़ों को आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे हर कमांड के ऊपर तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे एक्शन असाइन फॉर फर्स्ट वर्ड इवेंट फर्स्ट वर्ड, जब कोई भी फर्स्ट वर्ड लिखेगा तो उसको कितना पॉइंट्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे सेट आर्ग्यूमेंट पॉइंट्स क्रिएटेड 500 लिखा हुआ है, तो इसको भी आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैं इसको 200 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, जैसे सारे इन सारी चीजों को आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज और नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक और एक्शन है चैट मैसेज वाला, तो ये एक्शन पे अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी कुछ सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है चैट पॉइंट्स, यहाँ पे 10 जैसे कि असाइन किया हुआ है, तो ये वो पॉइंट्स है जब बंदा एक्टिव रहेगा, मतलब पहला वर्ड तो उसने कमेंट कर दिया आपके लाइव चैट में, उसके बाद वो जितने भी देर आपके लाइव स्ट्रीम पे रहेगा और जो एक्टिव रहेगा कमेंट्स करते रहेगा, तो वो हर कमेंट के उसको कितने पॉइंट्स मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पे आपको सेट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको आपको एक बार क्लिक करना है ये चैट मैसेज वाले ऑप्शन को, एक्शन को, उसके बाद में यहाँ पे सब एक्शन में यहाँ पे ईच चैट पॉइंट से यहाँ पे दिखाई देगा 210, तो यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना, और जितना भी पॉइंट आप देना चाहते हो, जितनी भी वैल्यू, जितने भी पॉइंट्स आप देना चाहते हो पर मैसेज, वो यहाँ पे आप असाइन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैं 3 वैल्यू कर देता हूँ कि 3 पॉइंट्स मिले उसको हर मैसेज के, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके कर दिया, इतना काम हम लोगों ने कर दिया। बट यहाँ पे एक चीज़
की कमी है। जैसे अगर आप लोग सोचोगे कि हर हर मैसेज पे, हर चैट पे अगर 3 पॉइंट मिलेगा बंदों को, व्यूअर्स को, तो वो लोग बहुत स्पैम करेंगे चैट में, तो फिर तो मतलब पूरा चैट जो है वो सिर्फ स्पैमर से ही भर जाएगा, तो उसका भी जुगाड़ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है टाइम्ड एक्शन वाला, टाइम्ड एक्शन क्लियर पॉइंट्स अर्न फाइल्ड वाला। तो मतलब इसको यूज करके, मतलब इसमें मतलब ये जो एक्शन है वो क्या करेगा, जब भी कोई बंदा कमेंट एक बार कर देगा, जैसे अभी उसने कमेंट किया, उसको 3 पॉइंट्स मिल गए एक चैट के, तो उसके बाद में उसको कुछ इंटरवल के बाद में जो वो कमेंट करेगा उसी के उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। मतलब जो भी पॉइंट आप असाइन करोगे उतने पॉइंट्स उसको उतने टाइम के बाद ही मिलेंगे। वो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये आपके स्ट्रीमर बॉट पे ऊपर जो ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देंगे आपको नीचे, तो यहाँ पे टाइम्ड एक्शंस करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे इस स्पेस में आपको राइट क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे नेम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइम्ड एक्शन लिख देता हूँ, बस यहाँ पे मैं सिर्फ टाइम्ड एक्शन लिख देता हूँ। टाइम्ड एक्शन लिखने के बाद में यहाँ पे इंटरवल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आपको इंटरवल देना है कि कितने सेकंड के बाद जब वो मैसेज करेगा तब उसको 3 पॉइंट मिलेगा। जैसे समझ लो मैंने 3 पॉइंट सेट किया है, तो समझ लो अभी किसी ने मैसेज किया उसको 3 पॉइंट मिल गया, तो अब से लेके कितने सेकंड के बाद जो वो मैसेज करेगा उसके पॉइंट्स उसको मिलेंगे। तो समझ लो मैं चाहता हूँ कि एक बार पॉइंट मिलने के बाद में 1 मिनट बाद जो वो मैसेज करेगा 60 सेकंड बाद, 60 सेकंड बाद उसको फिर से 3 पॉइंट मिलेंगे चैट के। तो यहाँ पे आपको उतना इंटरवल अपने हिसाब से सेट कर देना, आप जो भी सेट करना चाहते हो सेकंड्स में। तो यहाँ पे मैं जैसे 1 मिनट चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया, तो 60 सेकंड्स के बाद उसको 60 सेकंड्स पे 3-3 पॉइंट्स मिलेंगे अपने चैट में एक्टिव रहने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 60 ऐड कर दिया, उसके बाद में यहाँ पे लाइंस आप लोग लाइन के हिसाब से रखना चाहते हो कि उसने एक लाइन लिख दिया उसके बाद चैट में 5-10 लाइन आई रहेगी, उसके बाद में जो उसकी चैट रहेगी तब उसको मिलना चाहिए, तो आप लाइंस पे भी एडजस्ट कर सकते हो। लाइंस पे एडजस्ट करने कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहूँगा कि आप बस यहाँ पे सेकंड्स में इंटरवल में ही टाइम को सेट कर दो, आपको कितने टाइम के बाद उसको पॉइंट असाइन करना है। तो जैसे हमने यहाँ पे 60 असाइन कर दिया 60 सेकंड्स के बाद में। एक्शंस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके जो भी सारे एक्शंस ऐड हुए वो सारे एक्शंस यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये एक्शंस में हमको नीचे जो लास्ट वाला एक्शन है टाइम्ड एक्शन नाम से, इसको हमको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट वाली बटन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे वो एक्शन जो है वो आ जाएगा। और इतना काम आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करने से पहले आप लोग एक बार कंफर्म कर लो, इनेबल पे यहाँ पे टिक रहना चाहिए और रिपीट पे भी यहाँ पे टिक रहना चाहिए, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर सकते हो। अब इतना काम करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों को करना है, उसके लिए आपको वापस से एक्शन टैब में जाना है, यहाँ पे एक्शंस वाले टैब में, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक एक्शन है असाइन टू चैट मैसेज नाम से, इसको आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आप लोग सब एक्शन वाले टैब में देखोगे राइट टू फाइल का यहाँ पे एक ऑप्शन है लास्ट वाला, तो यहाँ पे इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ पाथ यहाँ पे रहेगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड, बट उसको आपको चेंज करना है और अपना उस फाइल का, उस फोल्डर का पाथ देना है जहाँ पे आपने यूजर हु चैटेड डॉट टेक्स्ट नाम से फाइल बनाई थी, टेक्स्ट फाइल, तो उसका पाथ देना है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ट्रिपल, ये जो ट्रिपल डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपने जहाँ पे भी वो फोल्डर बनाया, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था पॉइंट सिस्टम नाम से, पॉइंट सिस्टम में जाऊँगा, यूजर हु चैटेड नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, ये फोल्डर को मैं ओपन करूँगा, और यहाँ पे मैंने वो टेक्स्ट फाइल बनाई है यूजर हु चैटेड नाम से, तो यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट फाइल वाले, इस टेक्स्ट फाइल तक आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं ऊपर एम्प्टी लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे ये जो पाथ है इसको मैं यहाँ पे जो बैकस्लैश है इसको मैं यहाँ पे forward slash कर दूंगा। इतना काम आपको ये ध्यान से करना है, तो यहाँ पे इसको फॉरवर्ड स्लैश कर दो, इसको भी फॉरवर्ड स्लैश कर दो, मैं फॉरवर्ड स्लैश सही बोल रहा हूँ ना, इसी को फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो करेक्ट मत करना मुझे चैट में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कर दिया, और इसके लास्ट में भी हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। इतना काम आप लोगों ने कर लिया यहाँ पे एडिट करके, उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो ये बोलेगा यूजर हु चैटेड डॉट टेक्स्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो यहाँ पे यस कर दो, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आया रिप्लेस इट तो यस कर दो। और उसके बाद में यहाँ पे अपेंड टू फाइल यहाँ पे टिक रहना चाहिए, और टेक्स्ट टू राइट में यहाँ पे आपको लिखा रहना चाहिए परसेंटेज यूजर परसेंटेज, सेम यहाँ पे नीचे लिखा हुआ जैसे ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिखा रहना चाहिए परसेंटेज यूजर परसेंटेज। इतना कर लिया, उसके बाद में ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने सेट कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे उसके ऊपर जो एक्शन है ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड वाला, ये एक्शन पे एक बार सिंगल क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखोगे सेट ग्लोबल, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेट ग्लोबल यूजर आईडी पाथ वाला, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जो ये वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये जो पाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको उस पाथ को देना है, उस फोल्डर के पाथ को देना है, जैसे हमने अभी यूजर हु चैटेड वाला फोल्डर का पाथ दिया, वैसे यहाँ पे आपको यूजर हु चैटेड क्या है, कौन से पाथ को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, यूजर आईडी पाथ को, ठीक है। तो यूजर आईडी नाम से जो हमने फोल्डर बनाया है उसको, उस फोल्डर का पाथ यहाँ पे हमको देना है, तो वो देने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बैकस्पेस कर देंगे, ठीक है। बैकस्पेस कर दिया, उसके बाद में हमने जो फोल्डर बनाया था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर पॉइंट सिस्टम फोल्डर के अंदर यहाँ पे पॉइंट आईडीज नाम से जो फोल्डर बनाया है वो फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, उसका जो पाथ है ऊपर आ गया है, सेम एम्प्टी स्पेस पे क्लिक करूंगा, और इसको भी यहाँ पे जो बैक स्लैश है उसको फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर दूंगा बैक स्पेस
स्पेस कर करके इसको ध्यान से आपको ये जो स्लैशेज है इनको फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको पूरी तरीके से कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सारे स्लैश को अपने हिसाब से अच्छे से कर दिया, चेंज कर दिया, उसके बाद में ये पाथ को यहाँ से आपको सिंपली कॉपी करना है। सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे, उसके बाद में वही वैल्यू वो यहाँ पे आके वैल्यू में हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट आईडीज वाला जो ये था वो यहाँ पे लाके मैंने पेस्ट कर दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट आईडीज वाला फोल्डर ही यहाँ पे पेस्ट करना था, तो यहाँ पे हमने उसका पाथ दे दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा सेट हो गया। सेम ऐसे ही हमको यहाँ पे इसके लिए भी करना है, यूजर नेम पाथ वाले पे। तो यहाँ पे हमको पॉइंट नेम्स नाम से जो हमने फोल्डर बनाया है उसका पाथ देना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इसका पूरा पाथ जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको यहाँ पे बैकस्पेस करके क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो फोल्डर हमने बनाया था वो फोल्डर ओपन करूंगा। तो यहाँ पे हमने पॉइंट नेम्स नाम से जो फोल्डर बनाया था वो फोल्डर में हम लोग जाएंगे, उसका जो पाथ है उसके पाथ को यहाँ पे कॉपी करेंगे। बट वो कॉपी करने से पहले हम लोग ये स्लैशेस को चेंज करेंगे, जैसे हमने बाकियों के लिए भी किया है। तो यहाँ पे भी मैंने सारे स्लैशेस को चेंज कर दिया है। उसके बाद में ये पाथ को मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करूंगा, पॉइंट नेम्स वाले फोल्डर के पाथ को इसको मिनिमाइज करूंगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे सिंपली, और ओके पे क्लिक कर दूंगा। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन है, सेट ग्लोबल यूजर हु चैटेड फाइल टू। इस यहाँ पे भी आपको वो टेक्स्ट फाइल का जो पाथ है, वो जो टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट किया उसका पाथ यहाँ पे देना है जो हमने पहले दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी डबल क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे इसके पाथ को भी हमको पूरा वैल्यू को बैकस्पेस करके मिटा देना है। अब यहाँ पे हमको वापस से जाना है हमारे वो फोल्डर में जहाँ पे हमने डेस्कटॉप में हमने फोल्डर क्रिएट किया था पॉइंट सिस्टम नाम से, वहाँ पे यूजर हु चैटेड नाम से फोल्डर बनाया था और यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल हमने बनाई थी। तो ये यहाँ तक वो पाथ में आना है आपको, और यहाँ पे ये पाथ को पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने से पहले और कॉपी करने से पहले इसको भी हमको स्लैशेस को जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे स्लैश को चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैंने सारे स्लैश को चेंज कर दिया, आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। अब इस पूरे पाथ को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा और वो वैल्यू को मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। इतना हमने कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दूंगा। इतना काम कर दिया, ये फोल्डर और फाइल्स वाला जो काम था वो पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी करने के लिए एक्शंस में, वो सारी सेटिंग्स हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये है कि हमको OBS स्टूडियो में अपने सेटिंग करना है, वो इफेक्ट्स वगैरह जो भी इफेक्ट्स हमको दिखाना है हमारे लाइव स्ट्रीम पे, जो भी लोग कमांड डालेंगे चैट में, तो वो कमांड्स पे क्या इफेक्ट ट्रिगर होना चाहिए, वो सारे जो भी इफेक्ट्स दिखाना है आपको लाइव स्ट्रीम पे, वो सारे इफेक्ट्स को हमको अपने OBS स्टूडियो में सेटअप करना है। तो वो कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो फिलहाल के लिए स्ट्रीमर बॉट को मैं यहां पे मिनिमाइज करता हूं और अपना OBS स्टूडियो ओपन करता हूं। तो जैसे OBS स्टूडियो में हमारा ये समझ लो जस्ट चैटिंग सीन है, ये समझ लो मेरा गेम प्ले सीन है, तो ऐसे आपकी भी अपनी अपनी सीन बनाई पड़ी रहेगी। तो आपको यहां पे न्यू सीन क्रिएट करना है, कि यहां पे ऐड न्यू सीन करेंगे हम लोग, यहां पे सीन्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे, और यहां पे इसको नाम दे सकते हो आप लोग जो भी। तो यहां पे मैं इसको नाम दे देता हूं EFFECTS, कुछ भी नाम दे सकते हो आप लोग। इफेक्ट्स नाम दे दिया मैंने, उसके बाद ओके कर देता हूं। तो यहां पे मैंने न्यू सीन बना दिया। अभी इस न्यू सीन में आपको वो सारे इफेक्ट्स वाली जो भी फाइल वीडियो या वीडियोस जो भी आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। ऑडियो फाइल को यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, वीडियोस के लिए। जैसे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे किया है, एक्सक्लेमेशन पंच डालने पे वो पंच जो है वो पड़ता है। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स जो है वो पहले से यहाँ पे मैंने रखा है अपने वीडियोस फोल्डर में। तो आप लोग भी ऐसे ग्रीन स्क्रीन फाइल्स को वीडियोस को सर्च कर सकते हो अपने यूट्यूब पे, कुछ भी सर्च करो ग्रीन स्क्रीन फनी वीडियोस, या फिर जिससे भी रिलेटेड ग्रीन स्क्रीन वीडियोस चाहिए तो वो आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं पंचेस वाले वीडियो को प्ले करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप की ये वीडियो है। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं ऐड करूंगा यहाँ पे। तो उसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सोर्सेज में OBS स्टूडियो में प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्योंकि ये वीडियो है तो यहाँ पे मीडिया सोर्स पे क्लिक करेंगे। मीडिया सोर्स ऐड करने के बाद में यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ इस मीडिया सोर्स को, PUNCHES, पंचेस नाम से दे दिया मैंने इसको, और यहाँ पे क्रिएट न्यू ओके कर देता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे लोकल फाइल का पाथ क्या है, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूंगा मैं, और जो हमारे जो वीडियो है जहाँ पे सेव वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे वो वीडियो जो है मेरे डेस्कटॉप पे है वीडियोस फोल्डर में, यहाँ पे पंचेस वाली फाइल वीडियो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वो जो वीडियो फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे लूप वाला जो एक्शन है इसको एक बार अभी के लिए टिक कर दो, इसको बाद में हमको अनटिक करना है, इसको अभी के लिए टिक कर दो, और रिस्टार्ट प्लेबैक व्हेन सोर्स बिकम एक्टिव इसको अनटिक कर दो, ठीक है। इतना काम अभी के लिए करो, उसके बाद में ओके करो। तो आपको ये दिखाई देगा स्क्रीन पे, आपका जो पंच वाली वीडियो है वो चलने लग गई है ग्रीन स्क्रीन के साथ में। अब यहाँ पे अगर आप लोग नीचे देखोगे तो पंचेस की वॉल्यूम जो है वो ऐसे हिल रही है, मतलब ऑडियो आ रही है बट मेरे ईयरफोन में इसकी ऑडियो नहीं आ रही है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स जो होता है वॉल्यूम का ऑडियो वाले, इसका 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, जो ऑडियो आपको सुनाई नहीं दे रही उसके 3 डॉट्स पे। उसके बाद एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पंचेस नाम से जो हमने ऐड किया मीडिया सोर्स उसका, उसको देखना है आपको, और यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जो ऑप्शन है मॉनिटर ऑफ करके इसको मॉनिटर ओनली म्यूट आउटपुट पे सिलेक्ट करना है। तो अब इसकी ऑडियो हमको भी आने लगी। इतना करके आपको क्लोज कर देना है,
अब आप लोग देख सकते हो उसकी ऑडियो आ रही है। अभी मैं इसको म्यूट कर देता हूँ ताकि वो बीच बीच में ना आए। अब इसको आपको यहाँ पे अपने पूरे स्क्रीन पे सेट कर देना, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली इसको राइट क्लिक कर सकते हो इसके ऊपर और यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म पे ले जा सकते हो और यहाँ पे फिट टू स्क्रीन पे आप लोग क्लिक करोगे तो पूरी स्क्रीन पे जो है वो वीडियो आ जाएगी। अब इसका ग्रीन स्क्रीन हमको रिमूव कर देना है, तो वो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पंचेस वाले वीडियो को जिसका भी ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है वो मीडिया सोर्स को सिलेक्ट करना है, एक बार फिल्टर्स को सिलेक्ट करना है, फिल्टर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे इफेक्ट फिल्टर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का, यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्रोमा की ही रहने दो। उसके बाद में ओके पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपका ग्रीन कलर सिलेक्टेड है, क्योंकि पीछे ग्रीन स्क्रीन है तो यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहता है, तो जो ग्रीन स्क्रीन है इसके पीछे जो ग्रीन स्क्रीन थी वो रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमारी ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। हो गया यहाँ पे। अब ऐसे ही आपको जो जो इफेक्ट ऐड करना है वो सारी इफेक्ट फाइल को इसी फोल्डर में ऐड कर दो, बट हाँ ऐड करने के बाद में इनके ऊपर आपको डबल क्लिक, याद से डबल क्लिक करना है और यहाँ पे लूप जो हमने ऑन रखा था उसको अनटिक कर देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि ये लूप में बचते ना रहे या फिर आप जब भी OBS ओपन करोगे तो ये बार बार ओपन ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको म्यूट किया था तो इसको हम लोग ऑन भी कर देंगे इसका, ताकि वो स्ट्रीम पे आवाज भी सुनाई दे वो पंचेस की डिशुम डिशुम वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मुझे एक्सप्लोजन वाला भी ऐड किया है मैंने, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, मीडिया सोर्स पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ एक्सप्लोजन, EXPLOSION एक्सप्लोजन। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो उसको स्पेलिंग तो कोई नहीं देख रहा है यहाँ पे, बट ठीक है। और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे भी हमको एक्सप्लोजन वाली जो फाइल है, जैसे ये मैंने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन एक्सप्लोजन वाली वीडियो फाइल यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा तो वो वीडियो भी आ जाएगी। लूप पे यहाँ पे फिलहाल के लिए सेट रखूंगा, टिक करूंगा, इसको अनटिक करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो भी आ चुकी है। इसको भी मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन पे ऐसे ड्रैग करके कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसका भी देखो ऑडियो जो है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए भी मैं सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, एडवांस्ड ऑडियो प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और यहाँ पे एक्सप्लोजन वाला जो ऑप्शन है इसमें भी आके म्यूट मॉनिटर ओनली म्यूट आउटपुट पे सिलेक्ट कर दूंगा और क्लोज कर दूंगा। इसकी आवाज हमको भी आने लग गई, ठीक है। तो अब इसका क्या करना है हमको, यहाँ पे बस सिंपली अब इसका ग्रीन स्क्रीन हमको रिमूव करना है, तो उसके लिए भी हम लोग सेम वही एक्सप्लोजन को सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर्स पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड फिल्टर करेंगे और यहाँ पे क्रोमा की ऐड करेंगे और यहाँ पे क्रोमा की ओके करेंगे और यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन सिलेक्टेड है, हो गया, ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है पीछे की। वापस से इसको यहाँ पे हम लोग जो हमने लूप में किया है उसको अनटिक कर देंगे ताकि वो लूप में चलते ना रहे, सिर्फ जब कमांड्स आए चैट में तभी ये वीडियो चले, ठीक है। इतना कर दिया आप लोगों ने, इसको मैंने म्यूट किया था, उसको वापस से मैं ऑन कर देता हूँ। बस आपको सारे वीडियोस इफेक्ट अगर जो जो भी ऐड करना है, मीम्स वगैरह, वो सारी इफेक्ट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब इतना काम करने के बाद में अब आपको ये सारे इफेक्ट्स जो जो स्क्रीन पे दिखाने हैं, जैसे गेम प्ले सीन पे, जस्ट चैटिंग वाले सीन पे, जो जो सीन पे दिखाने हैं आपको सिंपली क्या करना है, वो सीन में जाना है। समझ लो मुझे जस्ट चैटिंग वाले सीन पे अगर मैं हूं तो भी कोई कमांड डाले तो जस्ट चैटिंग सीन पे भी वो इफेक्ट्स आना चाहिए, मतलब जो भी पॉइंट्स यूज करके हमारे व्यूअर्स यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जस्ट चैटिंग सीन ओपन कर लूंगा, अब मैं ये कैमरे में देख के बात करूं तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट चैटिंग सीन मैंने ओपन कर लिया और इस चैटिंग सीन में यहाँ पे नया सोर्स आपको एक ऐड करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सीन नाम से, तो क्योंकि हमने एक सीन नई बनाई है उसके अंदर ही सारे इफेक्ट्स डाले हुए हैं, तो यहाँ पे सीन में सेलेक्ट करूंगा, एक नई सीन ऐड कर दूंगा, सीन कौन सी, ऐड एग्जिस्टिंग वाले पे आपको टिक करना है, इफेक्ट्स नाम से जो हमने सीन बनाई है उसके अंदर हमने सारे इफेक्ट्स डाले हुए हैं, यहाँ पे मैं इफेक्ट्स वाले इसको सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पे फुल स्क्रीन पे आ जाएगी सीन, ठीक है। तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा फुल स्क्रीन पे है, तो इसको आपको एडजस्ट कर लेना है इसको अपने हिसाब से, कुछ इस प्रकार से, मतलब अपने सीन के हिसाब से। इतना रुको, वो अनसिलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको भी पकड़ के ऐसे अपने फेस कैम जितना, मतलब आपको अगर पूरी स्क्रीन पे दिखाना तो आप पूरी स्क्रीन पे भी ऐसा इसको रख सकते हो जैसे पहले से था, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ फेस कैम पे दिखाना है तो मैं इसको पूरे फेस कैम पे सिलेक्ट कर लूंगा बस। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी रेड लाइन है, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो ना, इफेक्ट्स में जाओ, कोई भी एक इफेक्ट को यहाँ पे आप लोग लूप पे चालू करके रख लो ताकि वो जो जो इफेक्ट है वो चलता रहे और फिर उसके बाद जो सीन में भी आपको करना है वो सीन में आके आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे आप प्रॉपर दिखाई दे रहा है मुझे, बट सब करने के बाद में याद से आपको जाके उस इफेक्ट्स वाले फोल्डर में उसका लूप को जो है वो क्लोज कर देना है, अनटिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। इतना कर लिया, जस्ट चैटिंग में तो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमको समझ लो गेम प्ले सीन में भी दिखाना है, तो गेम प्ले सीन में मैं जाऊंगा और यहाँ पे भी वापस से वैसे सेम सीन ऐड करूंगा, जो हमने इफेक्ट वाले सीन ऐड किया है उसको ऐड कर दूंगा, वो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगी वो सीन, तो उसको हम लोग छोटा करेंगे और सिर्फ फेस कैम पे अगर करना है तो सिर्फ फेस कैम जितना उसको छोटा कर लो आप लोग, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद में आप देखो ये क्योंकि मेरा कैमरा स्क्वायर है बट ये रेक्टेंगल है 16:9 रेशियो में, तो मैं कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस करके रखूंगा और उसके बाद में यहाँ पे लाऊंगा कर्सर और यहाँ पे क्लिक करके इसको बस ऐसे यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा अपने फेस कैम के ऊपर,
शिफ्ट की छोड़ दूंगा, बाहर क्लिक कर दूंगा, हो चुका है। अब इसके बाद में हमारे फेस कैम के ऊपर भी वो जो इफेक्ट्स है वो आएंगे। अब जैसे ही आपने OBS स्टूडियो में सारे इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर दिए, सारी चीजें कर दिया, उसके बाद में हमको एक्शंस जो हमारे स्ट्रीमर बॉट में उसको भी इन सारे इफेक्ट्स के साथ में लिंक करना है। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे बस सिंपली इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं OBS स्टूडियो का, अभी के लिए स्ट्रीमर बॉट ओपन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि कोई कुछ रिडीम करे तो वो ये रिडीम हो, समझ लो कोई एक्सक्लेमेशन पंच लिखे कमांड में तो ये चीज रिडीम हो। तो यहाँ पे एक रिडीम नाम से एक यहाँ पे कमांड बना हुआ है, यहाँ पे कमांड रिडीम एक्शन बना हुआ है, रिडीम समथिंग YT नाम से। तो यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कुछ ये टाइप से ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप लोग अगर आपको जैसे मल्टीपल, जैसे हमने यहाँ पे दो चीज ऐड किया हुआ है, समझ लो मैं लाफ वाला कोई साउंड इफेक्ट भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको तीन कॉपी बना लूंगा ये रिडीम वाले एक्शन की। तो यहाँ पे मैं रिडीम वाले एक्शन पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे आप लोग देखोगे तो ऑप्शन दिखाई देगा इसका डुप्लीकेट का, ये देखो डुप्लीकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूंगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपी बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक बार और इसकी और एक कॉपी बना लूंगा तो एक बार और डुप्लीकेट करूंगा। तो यहाँ पे तीन कॉपी बना लिया मैंने, क्योंकि मैं तीन चीज रिडीम पे रखना चाहता हूँ। तो आपको जितने भी इफेक्ट्स रिडीम पे रखना चाहते हो आप उतने कॉपी यहाँ पे बना लो, उसके बाद में इन सबको कनेक्ट कर दो, जो कुछ भी मतलब ये अगर क्लिक, ये जब एक्शन ट्रिगर होगा तो क्या रिडीम होगा, ये एक्शन ट्रिगर होगा तो क्या इफेक्ट चलेगा, ये एक्शन ट्रिगर होगा तो क्या इफेक्ट चलेगा, उसके हिसाब से आपको सेट कर देना। तो सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ पे रिडीम वाले पे इसको एक बार क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे हमको एक्शन ऐड करना है, क्या एक्शन ऐड करना है हमको, क्या सब एक्शन ऐड करना है, तो हमारे OBS स्टूडियो में वो इफेक्ट वाले फोल्डर में जो पंचेस वाला वीडियो है वो प्ले होना चाहिए जब भी ये एक्शन ये रिडीम ट्रिगर हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बस आप सिंपली ब्लाइंडली बस मैं जो भी कर रहा हूँ उसको कॉपी करो वो स्टेप्स को। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है सब एक्शन में, राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको OBS स्टूडियो में हमको क्योंकि ये एक्शन को ट्रिगर करवाना है तो OBS स्टूडियो पे कर्सर ले जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे OBS स्टूडियो में हमने एक नया सोर्स ऐड किया है, क्योंकि हमने मीडिया सोर्स ऐड किया ना, मीडिया सोर्स ऐड किया है, सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे सेट मीडिया स्टेट का एक ऑप्शन है, सेट मीडिया स्टेट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको कौन सी सीन है, तो हमने इफेक्ट नाम की सीन में बनाया हुआ है, इफेक्ट्स नाम की सीन बनाया हुआ है, उसके अंदर हमारे कौन सा सोर्स को हमको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने जो भी सोर्स ऐड किया है, दो वीडियो ऐड किया हमने, एक पंचेस नाम से, एक्सप्लोजन नाम से, तो वो दोनों वीडियो यहाँ का नाम दिखाई दे रहा है उन सोर्सेस का। तो समझ लो मैं पंचेस वाले पे सेट कर रहा हूँ, फिलहाल पंचेस वाला आ गया। यहाँ पे इसको हमको सिर्फ रीस्टार्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, स्टेट को ड्रॉप डाउन करो, रीस्टार्ट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अब ये जब भी एक्शन, ये वाला एक्शन जब भी ट्रिगर होगा तो हमारा OBS स्टूडियो में पंचेस जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे भी एक नया एक्शन क्रिएट करेंगे। तो नया एक्शन राइट क्लिक करेंगे, OBS पे ले जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे सोर्सेज में ले जाएंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेट मीडिया स्टेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से वही इफेक्ट सीन को सिलेक्ट करेंगे। और अब इस बार हम लोग एक्सप्लोजन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्टेट को रीस्टार्ट पे सिलेक्ट कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। मतलब सेकंड वाला जब, ये वाला जब एक्शन ट्रिगर होगा तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होगा हमारे लाइव स्ट्रीम पे। अब यहाँ पे जो हमने कॉपी किया इनके नाम को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, जैसे अब यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा, यहाँ पे पंचेस होगा, तो यहाँ पे आप लोग उन कमांड पे लेके जाओ, एक बार क्लिक करो, उसके बाद राइट क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे इसको आप लोग नाम जो भी देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो यहाँ पे रिडीम जैसे समथिंग को मैं बैकस्पेस करके मिटा दूंगा और यहाँ पे पंचेस करूंगा, PUNCHES पंचेस, और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे रिडीम पंचेस होगा। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लोजन रखा है तो इसको भी मैं एडिट करूंगा और अपने हिसाब से नाम दे दूंगा यहाँ पे, ये पूरा बैकस्पेस करके यहाँ पे हटाऊंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा पंचेस नाम, पंचेस नहीं यहाँ पे एक्सप्लोजन नाम दूंगा मैं, क्योंकि एक्सप्लोजन के लिए ये कमांड है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन नाम देके इसको भी मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लोजन भी दे दिया। अब समझ लो यहाँ पे मुझे ये जो हमने और एक बनाया थर्ड वाला, समझ लो ये जब भी एक्शन ट्रिगर हो तो कोई साउंड इफेक्ट बजना चाहिए। जैसे आप अगर कोई साउंड इफेक्ट खाली प्ले करना चाहते हो बैकग्राउंड में, कोई वीडियो नहीं दिखा, इफेक्ट नहीं दिखाना चाहते हो स्क्रीन पे, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, समझ लो इसको मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ लाफ, जैसे मैंने अपने लाइव स्ट्रीम पे लाफ करके ऐड किया है कमांड, तो यहाँ पे मैं इसको लाफ नाम से दे देता हूँ, रिडीम लाफ LAUGH, क्योंकि जब भी ये एक्शन ट्रिगर होगा तो पीछे हंसने की आवाज आएगी। लाफ नाम दे दिया, ओके क्लिक कर दिया, रिडीम लाफ पे मैंने सिलेक्ट किया इस कमांड को और ये मतलब इस एक्शन को, और यहाँ पे इसके सब एक्शन में आके मैं राइट क्लिक करूंगा, एक नया एक्शन जो है वो ऐड करूंगा। अब यहाँ पे नए एक्शन में इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ हमारे पीसी में ही वो साउंड बजना चाहिए, क्योंकि पीसी में जो भी साउंड बजता है वो हमारे लाइव स्ट्रीम पे सुनाई देता है, डेस्कटॉप ऑडियो। तो राइट क्लिक करूंगा एक्शंस में, यहाँ पे कोर में जाऊंगा, कोर में जाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे साउंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, साउंड्स पे कर्सर ले जाऊंगा, प्ले साउंड फ्रॉम फोल्डर या प्ले साउंड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे मैं प्ले साउंड के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे साउंड फाइल टू प्ले का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और जहाँ पे भी वो फाइल है वो सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जो वीडियोज नाम से फाइल फोल्डर है मेरा, उसके अंदर मैंने एक लाफ नाम से एक ऑडियो फाइल रखा हुआ है, MP3 फाइल, ठीक है। तो
जिसमें बस हंसने की आवाज है, इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, इसको ओपन कर दूंगा, तो यहाँ पे वो फाइल जो है वो आ जाएगी। उसके बाद में फिनिश प्लेइंग बिफोर कंटिन्यू, तो ये जो है ये टिक रहना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। तो अब यहाँ पे हमारे जो भी तीन इफेक्ट्स मुझे ऐड करने थे वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रिडीम पे, जो कुछ भी ऐड करने थे। आप भी ऐसे अपने हिसाब से ऐड कर दो। अब यहाँ पे रिडीम करने के लिए हमने तीन ऑप्शंस तो ऐड कर दिया, एक्सप्लोजन, लाफ और पंचेस, ये तो ऐड कर दिया, बट इनकी प्राइस क्या रहनी चाहिए, ये रिडीम करने के लिए कितने पॉइंट्स देना पड़ेगा आपके व्यूवर्स को, जब भी वो कमांड डालेंगे कुछ तो कितने पॉइंट्स लगेंगे उनके वो कमांड्स के लिए। तो यहाँ पे समझ लो मुझे लाफ अगर करवाना है, खाली ऑडियो बजेगी, साउंड इफेक्ट बजेगा पीछे, तो यहाँ पे मैं लाफ वाले कमांड को सिलेक्ट करूंगा एक बार। और यहाँ पे जो है ये देखो सेट पॉइंट कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट को आपको डबल क्लिक करना है यहाँ पे, और डबल क्लिक करके जितनी भी वैल्यू, जितना भी कॉस्ट उसका आपको रखना है उतना आप रख सकते हो। समझ लो मैं 50 पॉइंट्स कॉस्ट कर रहा हूँ, अगर किसी को खाली लाफ वाली जो म्यूजिक साउंड इफेक्ट बजाना है तो उसको 50 पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे, 50 पॉइंट्स उसके टोटल पॉइंट्स में से कटेंगे। सो ये लाफ वाला जो एक्शन है, जो ऑडियो है, वो बजेगी मेरी लाइव स्ट्रीम पे। 50 रख दिया मैंने, उसके बाद में यहाँ पे ओके कर दिया। सेम इसी तरीके से एक्सप्लोजन पे जाऊंगा, उसका भी जो कॉस्ट मुझे सेट करना है वो मैं कॉस्ट सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका कॉस्ट सेट कर देता हूँ, समझ लो 80, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और ऐसे मैं पंचेस का भी 80 यहाँ पे सेट कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इसका कॉस्ट जो है वो सेट कर सकते हो। कॉस्ट हमने सेट कर दिया, अब हम लोग इसको लिंक करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्शन अपने आप तो ट्रिगर नहीं होगा ना, ये एक्शन कमांड्स पे ट्रिगर होगा, तो इसको हमको लिंक करना पड़ेगा कमांड्स के साथ में। जब भी कोई चैट में कमांड डालेगा एक्सक्लेमेशन मार्क पंच, तो पंचेस वाला एक्शन जो है वो ट्रिगर होना चाहिए, वैसे ही बाकी सारे एक्शंस भी ट्रिगर होना चाहिए। तो कमांड्स वाले सेक्शन में जाएंगे हम लोग स्ट्रीमर बॉट में, वहां पे आने के बाद में यहाँ पे कुछ कमांड्स पहले से आपको बने बनाए दिखेंगे। ये जो भी कमांड्स बने बनाए यहाँ पे है, क्रिएटेड है, इनके ऊपर आपको एक एक बार डबल क्लिक करना, और यहाँ पे इनेबल्ड वाला ऑप्शन अनटिक रहेगा बाय डिफॉल्ट, तो इनको आपको इनेबल कर देना है, याद से इनेबल कर दो आप लोग। और यहाँ पे एक्शंस वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे सारे एक्शंस को अपने हिसाब से दे दो, मतलब जो भी चीज के लिए कमांड है, ऐड पॉइंट्स वाला ये कमांड है ना, एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट, तो यहाँ पे एक्शंस पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड पॉइंट वाला कमांड आप लोगों को दे देना है। तो जैसे यहाँ पे ऐड पॉइंट वाला कमांड यहाँ पे कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऐड पॉइंट वाला कमांड है, ये आप लोग देख सकते हो कमांड ऐड पॉइंट्स फॉर मॉड्स वाला, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट्स वाले में हमने एक्शन को सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे इनेबल आपको ध्यान से सारे एक्शन को इनेबल वाले पे टिक रहना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे ये कमांड को जो है वो सिर्फ मॉडरेटर यूज कर पाना चाहिए, मतलब सिर्फ मॉड्स यूज करेंगे इस कमांड को तो ही वो ऐड पॉइंट्स होगा। मतलब किसी को अगर आपको पॉइंट्स देना है, समझ लो किसी के पास 100 पॉइंट है बट आप उसको 100 पॉइंट और देना चाहते हो, तो आप एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट करके उसके आगे उसका यूजर नेम लिखोगे, और उसके आगे आप लोग प्लस लिख के जितने भी पॉइंट्स और देना चाहते हो उसको, प्लस 100 करना चाहते हो तो प्लस 100 लिख दोगे, या फिर प्लस 200 लिख दोगे, तो उतने पॉइंट्स उसके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे जो भी यूजर को आप देना चाहते हो। तो ये जो कमांड है एक्सक्लेमेशन ऐड पॉइंट वाला, ये सब नहीं यूज कर पाना चाहिए, ये सिर्फ आपके मॉडरेटर और आप ही यूज कर पाना चाहिए। तो यहाँ पे मॉडरेटर वाले ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करो और इसको यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये अलाउड में मॉडरेटर अलाउ हो चुका है यूजर परमिशन में, ठीक है। और बाद में यहाँ पे आप लोग अपना नाम भी ऐड कर सकते हो, आप लोग जब भी लाइव स्ट्रीम करोगे तो यहाँ पे यूजर परमिशन में आपका भी नाम दिखाई देगा, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। मॉडरेटर्स को ऐड कर दिया हमने, उसके बाद में यहाँ पे आप ध्यान दो, यूट्यूब मैसेज पे टिक है, इनेबल पे टिक है, और उसके बाद में ये सारी चीजें प्रॉपर है। उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप जो है इसका, ये पॉइंट्स में है तो इसको पॉइंट्स में रहने दो, उसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। तो ये ऐसे हमने सेट कर दिया। सेम ऐसे ही हमको सेकंड कमांड को भी सेट करना है, यहाँ पे इसको इनेबल पे क्लिक कर देना, ये न्यू डोनो वाला एक्शन है, इसको आप नहीं सेट करोगे तो भी चलेगा, अगर आपको करना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर दो, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वो एक्शन सही एक्शन पे सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड है, नहीं है तो सही एक्शन पे सिलेक्ट कर दो, ठीक है। बाकी सारी चीज आप लोग देख लो, उसके बाद ओके कर दो। अब यहाँ पे बाकी सारे कमांड्स यहाँ पे प्रॉपर सेट है, बट यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है आपको, सारे कमांड्स पे एक एक बार डबल क्लिक करके यहाँ पे इनेबल पे क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, ये आपको ध्यान से कर देना है इनेबल पे क्लिक, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल नहीं रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करके ओके कर देना है। यहाँ पे पॉइंट्स वाला जो है इसके ऊपर हमने क्लिक किया, देखो ये पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना कि सारी चीजों पे उनके एक्शंस, उनसे रिलेटेड एक्शंस जो है वो सही है या नहीं, सिलेक्टेड है या नहीं। तो यहाँ पे ये शाउट आउट की कमांड है, तो इसमें कोई एक्सक्लेमेशन ऐसा लिखेगा आपके चैट में तो उसको शाउट आउट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये सारे तो बाय डिफॉल्ट जो कमांड्स यहाँ पे एडिट थे उनको हमने सेट कर दिया। अब हमको अपने रिडीम वाले जो कमांड्स है वो ऐड करने हैं, वो यहाँ पे नहीं है। तो जैसे हमने पंच वाला ऐड किया, तो यहाँ पे मैं एक नया कमांड ऐड करूंगा ऐड करके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कमांड में एक्सक्लेमेशन punch, मतलब चैट में कोई लिखेगा एक्सक्लेमेशन पंच तो कौन सा एक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्शन में मैं आऊंगा, एक्शन वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो हमने रिडीम पंच वाला ऑप्शन ऐड किया ये
देखो यहाँ पे रिडीम पंचेस, इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे वो वाला जो एक्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ग्रुप में यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं जैसे कमांड्स नाम से ग्रुप बना देता हूँ, CMANDS कमांड्स नाम से मैंने ग्रुप बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे इग्नोर बॉट अकाउंट या टिक रहने दो, यहाँ पे याद से आप लोग यूट्यूब मैसेज पे टिक कर दो और ट्विच को अनटिक कर दो, इतना कर लो। उसके बाद में ये आपका ऊपर ये एनेबल्ड पे टिक रहना चाहिए। उसके बाद में बाकी सारे ऑप्शंस तो यहाँ पे सही है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। एक्सक्लेमेशन पंच कोई चैट में लिखेगा तो वो वाला ऑप्शन जो है वो रन करेगा, एक्सक्लेमेशन पंच वाला रिडीम ऑप्शन एक्शन रन करेगा और पंचेस हमारे स्ट्रीम पे होगा। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पे एक और नया कमांड ऐड करना है, ये मैं एक्सप्लोजन पे करूंगा, EXPLOSION एक्सप्लोजन पे, और उसके बाद में यहाँ पे ग्रुप में मैं इसको नाम दे दूंगा CMAND। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन भी करेंगे तो आपका जो कमांड नाम से जो आपने पहले ऐड किया है ग्रुप वो दिखाई देगा, तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। एक्शन पे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम लोग और यहाँ पे एक्सप्लोजन वाला एक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे, ट्विच को अनटिक करेंगे, यूट्यूब को टिक कर देंगे, बाकी सब यहाँ पे सही है। उसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लोजन भी ऐड हो चुका है। अब हमको वो जो लाफ वाला जो कमांड ऐड किया है वो भी हम लोग यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से ऐड करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन LAUGH लाफ ऐड कर देंगे और यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, कमांड्स पे सिलेक्ट कर लेंगे, एक्शन पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लाफ वाला जो हमने ऐड किया उसको सिलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पे यूट्यूब को टिक कर देंगे, ट्विच को अनटिक कर देंगे और यहाँ पे बाकी सारी चीजों को रहने देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने तीन जो भी कमांड्स ऐड करने थे वो कमांड्स ऐड कर दिए। आपको जितने भी ऐड करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे बाकी सारी सेटिंग्स तो हमारी हो चुकी है, बस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे बाकी है। यहाँ पे जो भी इतने सारे एक्शंस हैं इन सबको लिंक करने हैं इनके ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे ये फर्स्ट वर्ड कमांड है तो फर्स्ट वर्ड पे ये ट्रिगर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जाना है सिंपली प्लेटफॉर्म्स वाले ऑप्शन पे। प्लेटफॉर्म वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यूट्यूब पे सिलेक्ट करो, इवेंट्स में जाओ, यहाँ पे चैट मैसेज पे ये चैट मैसेज वाला जो ये यहाँ पे एक्शन है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करो। यहाँ पे चैट मैसेज वाला जो एक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चैट मैसेज एनी चैट पे ये वाला एक्शन सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कर दो। फर्स्ट वर्ड वाला यहाँ पे एक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड गिव पॉइंट्स फॉर रिटर्निंग चैटर्स, फर्स्ट वर्ड फॉर न्यू चैटर, तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वर्ड वाला रिटर्निंग चैटर्स वाला इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर इवेंट वाले पे भी आप लोग कोई एक्शन सिलेक्ट कर सकते हो अगर आप खुद बना रहे हो तो, नहीं तो बाकी यहाँ पे पॉइंट सिस्टम में तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप पे आ सकते हो, उसके ऊपर भी आप लोग कोई इसको असाइन कर सकते हो, सुपर चैट इवेंट पे भी कर सकते हो असाइन। इतना तो हो गया ये फर्स्ट मैसेज वाला और फर्स्ट वर्ड वाला जो है ये हमने असाइन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉडकास्ट इवेंट पे आप लोग जाओ, ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक्शन पे क्लिक करो, ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड वाले पे, और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्टार्टेड वाला जो एक्शन है इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे असाइन कर दो। यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट एंडेड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एंडेड वाला जो एक्शन है उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दो। इतना हमने असाइन कर दिया। अब सारी सेटिंग जो है हमारी वो हो चुकी है ऑलरेडी, अकाउंट भी हमने पहले लिंक कर दिया, अब यहाँ पे सारी सेटिंग्स हो चुकी है। अब बारी आती है लाइव जाने की यूट्यूब चैनल पे और चेक करने की ये सारी चीजें जो है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो मैं लाइव जा चुका हूँ, यहाँ पे आप लोग OBS स्टूडियो में देख सकते हो स्ट्रीमिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग ब्राउजर में आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लाइव स्ट्रीम जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया, तो यहाँ पे आप लोग देखो लाइव आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे हमारी चैट भी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करके देखते हैं, कुछ कमेंट वमेंट करके देखते हैं कि हमारा जो है वो काम कर रहा है नहीं। तो यहाँ पे मैं मोबाइल में अपनी इसी चैनल को इसी लाइव स्ट्रीम को ओपन कर लेता हूँ फटाक से। अब यहाँ पे मैं कमेंट करके देखता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो यहाँ पे मैं समझ लो हेलो कमेंट कर रहा हूँ, हेलो कमेंट कर रहा हूँ और एंटर कर दिया मैंने, और अब देखते हैं यहाँ पे हेलो आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ रिप्लाई आता है क्या पहले हमारे बॉट की तरफ से, कुछ वेलकम वेलकम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसने मुझे वेलकम नहीं किया, बहुत ही बड़ी बेइज्जती हो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने हेलो मैसेज किया तो यहाँ पे मुझे रिप्लाई आया है। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि मुझे स्ट्रीमर बॉट को एक बार बंद करके चालू करना, तो जैसे ही आप लोग सारी सेटिंग कर लोगे तो एक बार स्ट्रीमर बॉट को बंद करके वापस से चालू कर लेना लाइव जाने से पहले या फिर लाइव जाने के बाद, सो दैट वो काम करे, क्योंकि अभी वो काम नहीं कर रहा था उसी लिए क्योंकि मैंने बंद करके चालू नहीं किया था। तो मैंने सिंपली बस यहाँ पे आया मैं स्ट्रीमर बॉट में, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया मैंने पहले, जितने भी चेंजेस हमने किए थे वो सेव कर दिया पहले, उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके मैंने इसको स्ट्रीमर बॉट को क्लोज कर दिया, और उसके बाद में वापस से मैं यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है स्ट्रीमर बॉट का, ये स्ट्रीमर बॉट के फोल्डर में मैं गया और यहाँ पे स्ट्रीमर बॉट पे डबल क्लिक करके स्ट्रीमर बॉट को मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मैसेज किया तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने हेलो मैसेज किया तो ये बॉट का मैसेज है, हेलो वेलकम टू द स्ट्रीम अभिषेक मिश्रा, यू हैव जस्ट बीन रिवॉर्डेड सम पॉइंट्स, यूज एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स टू चेक योर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स डालता हूँ समझ लो, तो यहाँ पे मैं कमांड में लिखूंगा एक्सक्लेमेशन POINTS एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स और एंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स आ चुका है। उसके बाद में देखो यहाँ पे मुझे 403 पॉइंट्स मिल चुके हैं, मतलब सबसे पहला तो मैं नया चैटर था, पहली बार मैंने लाइव स्ट्रीम पे कमेंट किया इसलिए मुझे
200 पॉइंट्स मिले, फर्स्ट वर्ड था मेरा इसलिए 200 पॉइंट, 400 पॉइंट मिल गया और एक मिनट हो गया मुझे, तो इसलिए मेरे पहले मैसेज का 3 पॉइंट्स मुझे मिले क्योंकि मैंने वहाँ पे 3 पॉइंट सेट किया था, तो इसलिए मुझे 403 पॉइंट दिखा रहा है। ठीक है, तब हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन पंच डाल के देखेंगे हमारे लाइव स्ट्रीम पे पंच जो है वो आता है या नहीं। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन पंच डालूंगा, PUNCH एक्सक्लेमेशन पंच, और इंटर कर दिया मैंने, एक नया कमांड डाल दिया है, देखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोजन भी डाल के देखते हैं, एक्सक्लेमेशन एक्सप्लोजन EXPLOSION। ठीक है, एक्सक्लेमेशन एक्सप्लोजन भी मैंने यहाँ पे डाल दिया और एंटर कर दिया, एक्सप्लोजन होना चाहिए अब। ठीक है, ठीक है, तो ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको, मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे भी करके दिखा देता हूँ कि ये बाकी स्क्रीन पे भी काम कर रहा है। जैसे हम लोग गेम प्ले स्क्रीन पे समझ लो, आप लोग गेम प्ले सीन पे, और अब तब यहाँ पे कोई लिखेगा एक्सक्लेमेशन लाफ या फिर कोई भी, यहाँ पे जैसे मैं एक्सक्लेमेशन LAUGH लिख देता हूँ, एक्सक्लेमेशन लाफ, और यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लाफ पे हमारी हंसने की भी जो आवाज है वो यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे मैं पंच भी करके दिखा देता हूँ आपको, एक्सक्लेमेशन PUNCH एक्सक्लेमेशन पंच मैंने डाल दिया, और अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग पंच मारता है या नहीं, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन पंच पे भी ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं हमारे गेम प्ले सीन में भी। तो कुछ इस प्रकार से ये पॉइंट सिस्टम जो है आप लोग अपने लाइव स्ट्रीम के लिए ऐड कर सकते हो, और कुछ इस प्रकार से ये काम करेगा। तो गाइस अभी आपने नोटिस किया होगा कि चैट में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जब भी हम लोग कुछ रिडीम कर रहे हैं, तो वहां पे हमने एक चीज मिस किया है, जैसे कि हमको एक्शंस में जाना है उसको सुधारने के लिए, और जो भी हमने रिडीम वाले जो भी हमने यहाँ पे कमांड को जो भी हमने यहाँ पे एक्शंस को बनाया है उसके ऊपर आपको एक क्लिक करना है। जैसे ये रिडीम एक्सप्लोजन है, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सब एक्शंस यहाँ पे दिखाई देते हैं आप लोगों को, तो यहाँ पे YouTube मैसेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। तो क्या मैसेज जाएगा, तो यहाँ पे बॉट मैसेज करके लिख के आएगा पहले, और फिर यूजर का नाम आएगा जस्ट रिडीम्ड। अब यहाँ पे एक्सप्लोजन है तो इसको यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है पूरे इसको, और यहाँ पे हमको एक्सप्लोजन लिखना है। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूंगा, स्पेस दूंगा, और EXPLOSION यहाँ पे एक्सप्लोजन लिख दूंगा, सही स्पेलिंग है, एक्सप्लोजन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे अब जो है रिप्लाई में सही जाएगा। सेम ऐसे हम लोग लाफ पे और पंचेस में भी जाएंगे, और यहाँ पे बॉट मैसेज वाला जो ऑप्शन है यूट्यूब मैसेज वाला यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे ये पंचेस वाला है तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूंगा, और यहाँ पे मैं उसकी जगह लिख दूंगा PUNCHES पंचेस फॉर पॉइंट्स कॉस्ट जो भी रहेगा, और ओके पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही रिडीम वाले जो भी ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जाना है, और यहाँ पे यूट्यूब मैसेज वाले पे डबल क्लिक करके आपने जो कुछ भी रिडीम करने के लिए रखा है उसको वो लेटर यहाँ पे आपको लिख देना है, सो दैट वो जो रिप्लाई में मैसेज जाएगा वो करेक्ट जाना चाहिए, जो भी वो रिडीम करेगा इंसान उसी का नाम जाना चाहिए। तो यहाँ पे LAUGH क्योंकि ये लाफ वाली कमांड है, तो इसको हम लोग ओके कर देंगे। सारी चीज़ों को ऐसे सेटअप आपको कर देना है अपने हिसाब से, उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से ऊपर सेव पे क्लिक कर देना है ताकि वो सेव हो जाए सारी चीज़ें। और गाइस आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब भी आप लोग लाइव जाओगे तो जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको समझ लो स्ट्रीमर बॉट को क्लोज कर देता हूँ, समझ लो आज की लाइव स्ट्रीम हमारी एंड हो गई। तो जब भी आप लोग नेक्स्ट टाइम लाइव जाओगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रीमर बॉट वाले फोल्डर में जाना है जहाँ पे भी आपने स्ट्रीमर बॉट को एक्सट्रैक्ट किया है, और स्ट्रीमर बॉट को यहाँ पे डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को आपको स्ट्रीमर बॉट को रन कर देना है बैकग्राउंड में। जब भी आप लाइव स्ट्रीम करने जाओगे तो आपको लाइव जाने से पहले स्ट्रीमर बॉट को यहाँ पे बैकग्राउंड में रन कर देना है, उसके बाद में आप लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हो और आप लोग यहाँ पे अपनी लाइव क्रिएट करके लाइव जा सकते हो। अगर आप लोग इसको बैकग्राउंड में रन नहीं करोगे तो स्ट्रीमर बॉट काम नहीं करेगा और पॉइंट सिस्टम भी आपके लाइव स्ट्रीम पे काम नहीं करेगा, तो उसको ध्यान से आपको स्ट्रीमर बॉट को बैकग्राउंड में रन कर देना है लाइव जाने से पहले। तो गाइस उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो में आपको सब चीज समझ में आई होगी और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और ये दोनों वीडियो को भी देख लो जो मैंने पहले डाली है स्ट्रीमर बॉट के ऊपर, सो दैट आपको स्ट्रीमर बॉट के बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी।